राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, किसकी आज्ञा से तू मेरे कक्ष में आई? बिना आज्ञा यदि मेरे कमरे में आई तो मैं तेरा वध कर दूंगी। राजकुमारी जी, आप पुरस्कार दीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार है। लंकापति वापस लौट आए हैं और साथ में एक मानव कन्या सीता को पंचवटी से उठा लाए हैं। क्या तूने सचमुच पुरस्कार पाने का कार्य किया है? उसका मैल नैनी की दो आंखें लाकर मैं तुझे दो रत्नों में भेंट कर दूंगी। मैं अभी आई। चर्मका, मैं तुम्हारे प्रतिशोध का साधन उठा लाया हूं, कहां हो तुम? लंकेश की जय हो। शूर्पणखा कहाँ है? राजकुमारी जी, अशोक वाटिका गई हैं। अशोक वाटिका? इसका अर्थ यह हुआ कि उसे सीता के आने की सूचना मिल गई। हे सूर्यदेव, आप लंकेश की बंदिनी जानकी की दशा देख रहे हैं ना? आपकी दृष्टि तो आर्यपुत्र और प्रातः लक्ष्मण पर भी होगी। कृपया करके उन्हें इस दीन की दशा का वर्णन कर दीजिए। भ्राता रावण तुझे यहां ले आए हैं। इस प्रकार मेरे अपमान का आधा प्रतिशोध उन्होंने ले लिया है और बचा आधा प्रतिशोध उसे मैं पूरा कर देती हूँ। राजकुमारी शूर्पणखा, सावधान! एक पग भी आगे बढ़ाया तो बहुत पछताओगी। वो अत्रिजटा काल भी शूर्पणखा के बड़े हुए पग को वापस नहीं लौटा सकता। आ, छोड़ो मुझे, छोड़ो! आ, आ, ये त्रिजटा की पकड़ है, काल से भी अधिक शक्तिशाली। एक गंदी बुढ़िया, छोड़ दे मुझे! इसी के कारण मेरी दशा हुई है, मैं इसका वध करके ही रहूंगी। ये लंकेश का आदेश है, ये अब मेरी सुरक्षा में है। भ्राताश्री, आप इसे यहाँ ले आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जी भर के अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। इसके देवर ने मेरी नाक काटी है, आज मैं भी इसका वध करके अपने मन की ज्वाला को शांत करूंगी। नहीं, इसकी आज्ञा तुम्हें नहीं है। तुम्हारे अपमान का कारण ये स्त्री नहीं, तुम्हारे अपमान का कारण है वो तुच्छ मानव राम, उसका अनुज लक्ष्मण। स्त्री के लिए वो राम यहां अवश्य आएगा, और जिस दिन वो यहां आया ना बहन, मैं तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध उससे ले लूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं। परंतु जब तक राम यहां नहीं आता, ये स्त्री रावण की सुरक्षा में रहेगी। नहीं भ्राता, नहीं भ्राता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि तुमने स्त्री को हानि भी पहुंचाई तो रावण के क्रोध को तुम जानती हो, भली भांति जानती हो। त्रिजटा, आदेश लंकेश। शूर्पणखा को अशोक वाटिका में प्रवेश ना दिया जाए, ये मेरा आदेश है। यदि आदेश का पालन न किया तो वध कर देना इसका, वध कर देना इसका। चलो, छोड़ो भ्राता, भ्राता छोड़ दो। राम तुम्हें अवश्य मिलेगा, परंतु यदि तुमने अशोक वाटिका में पग भरने की चेष्टा भी की ना, तो मैं तुझे पदहीन कर दूंगा। सीता मेरे और राम के बीच बाधा बनकर खड़ी है, जब तक मैं इस बाधा को हटा नहीं देती राम मेरा नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। छोड़ दीजिए भ्राता जी, सीता का वध किए बिना राम मेरा नहीं हो सकता। चुप रहो, चुप। शूर्पणखा, अब तुम अपने ही कक्ष में बंदी बनकर रहोगी,
और यदि तुमने अशोक वाटिका की ओर आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। और तुम भलीभांति जानती हो कि जो मैं कहता हूं वही करता हूं, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। प्रहरियो आगे महाराज। चुरुप नखा इस कक्ष से बाहर ना जाने पाए, यदि ये इस कक्ष से बाहर गई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। पाल, तू हंस क्यों रहा है? हंस इसलिए रहा हूं कि रावण जैसे महान विद्वान की भी जब मति भ्रष्ट होती है तो हरण और वरण का अंतर भुला बैठता है। क्या पक रहा है तू? सत्य कह रहा हूं लंकेश, तुमने सीता का हरण करके वास्तव में अपनी मृत्यु का वरण किया है। काल, तुम्हारा मस्तिष्क फिर गया है। मृत्यु तो तू है और तू मेरा बंदी है। मैंने सदा के लिए तुझे अपने सिरहाने बांध कर तुझे अपना बंदी बना लिया। मूर्ख, मृत्यु दिन रात अपने सिर पे खड़ी पाता है और समझता है कि तूने उसे बंदी बना ली। क्या कहा तूने? क्या कहा? रुक जाइए लंकेश। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस दुष्ट को इसकी दुष्टता का दंड दे रहा हूं। ये मेरा महान रावण का परिहास उड़ाने का साहस कर रहा था महारानी। ये कह रहा था कि मैंने सीता का हरण करके अपने मृत्यु का वरण किया है। असहाय बंदी पर हाथ उठाना आप जैसे महावीर को शोभा नहीं देता लंकेश। क्या यह सत्य नहीं कि आपने सीता का हरण करके अपनी महानता पर एक धब्बा लगा लिया है? महारानी, मुझे सदैव आप पर गर्व रहा। आपने विद्या प्राप्त करनी चाही, श्रेष्ठ विद्वान बन गए। आपने वीरता दिखानी चाही, संसार के बड़े से बड़े विद्वानों को आपने पराजित किया। मुझे विश्वास था सूर्य अपना ताप, पर्वत अपनी ऊंचाई, समुद्र अपनी विशालता छोड़ सकता है, किंतु मेरे लंकेश अपना तेज, अपनी प्रतिभा, अपनी गरिमा कभी नहीं छोड़ सकते। परंतु एक अबला का अपहरण, नहीं, यह आपने अच्छा नहीं किया लंकेश। महारानी, मैंने जो किया उचित किया। जिस राम ने मेरे तीनों अनुजों का वध किया, जिस राम के कारण मेरी प्रिय बहन शूर्पनखा की नाक कट गई, जिस राम ने लंकापति रावण को सोचने पर विवश कर दिया, उस राम को नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं महारानी, कुछ भी, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण।
मेरी ओर देखिए लंकेश, मेरी आंखों में देखकर बताइए, क्या सचमुच सीता का हरण राम को नीचा दिखाने के लिए किया? क्या आप राम को इसलिए पराजित करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके अनुजों का वध किया, जिसकी वजह से शूर्पणखा अपनी नाक से वंचित हो गई, या इसलिए कि राम ने जनक नंदिनी सीता के स्वयंवर में आपको नीचा दिखाया? सत्य कहिए लंकेश, आप राम को पराजित करना चाहते हैं या सीता को जीतना? समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया महारानी। ईर्ष्या अपना कार्य कर रही है और ईर्ष्या स्त्री जाति का विशेष गुण होता है। यह आप नहीं बोल रही महारानी, यह आपके भीतर छिपा हुआ वो भय बोल रहा है कि कहीं सीता आपका स्थान न ले ले। परंतु महारानी आप निश्चिंत रहिए, आपका स्थान सुरक्षित था और सदैव सुरक्षित रहेगा। मुझे अपना पद छिन जाने का कोई भय नहीं लंकेश, मुझे भय है तो केवल ब्रह्मा के वरदान का, उनकी भविष्यवाणी का कि कहीं। महारानी मंदोदरी, आप मुझे क्रोध दिला रही हैं। मुझे ब्रह्मा का वरदान तुच्छ लगता है। सच पूछिए तो मुझे स्वयं ब्रह्मा तुच्छ लगता है, क्योंकि मैं रावण हूं। रावण, मैंने सीता का हरण इसलिए किया कि राम उसके लिए यहां आए मेरे पास और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे अपनी पत्नी के लिए भीख मांगे। या फिर वो रावण से टक्कर ले और यदि उसने मुझसे भीख मांगी महारानी, तो आप देख लेंगी क्या आपका रावण कितना दयावान है। परंतु यदि उसने मुझसे टक्कर ली तो आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि आपका रावण कितना बलशाली है। सुनिए लंकेश, माते आपने मुझे स्मरण किया। माते। हाँ पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त कौन है जो मेरे मन के दुख को समझ सके। पुत्र, रावण ने जो भी कार्य किया मैंने कभी उसका विरोध नहीं किया, उसने जो भी किया मैंने उसकी सराहना की, परंतु सीता का हरण। सीता के अपहरण का कारण ही यही है माते। आपने भ्रातश्री के किसी भी कार्य का विरोध नहीं किया, उन्होंने जो भी कुछ किया आपने उसकी सराहना ही की है। मैं उसकी माता ही नहीं उसकी गुरु भी हूं, और गुरु का धर्म यह भी है कि वो अपने शिष्य के उत्साह को बढ़ाए। क्षमा चाहता हूं माते, परंतु गुरु का धर्म यह भी है कि वो अपने शिष्य को वो मार्ग दिखाए जो कल्याण की ओर जाता है, विनाश की ओर नहीं माते। जो सत्य का मार्ग है शांति का मार्ग भी है। जो हुआ सो हुआ, परंतु क्या तुम उसे विनाश के मार्ग पर बढ़ने से रोक नहीं सकते? जब माता होकर आप उन्हें नहीं रोक सकती तो मैं अनुज होकर उन्हें रोकने का साहस कैसे कर सकता हूं माताश्री। किंतु मैं आपकी इस बात से सहमत हूं माताश्री कि भ्राताश्री विनाश के मार्ग पर ही अग्रसर है। अपनी ही धुन में भ्राताश्री ब्रह्मा और उनके वरदान को तुच्छ समझने पर तुले हुए हैं, और ये उनकी भूल है। बस
मुझे एक बात का दुख है माते, कि मेरे नेत्र जो देख रहे हैं मैं भ्राता श्री को वो दिखा नहीं सकता। आज पहली बार मुझे ये आभास हो रहा है, ना मैं अच्छी माता बन सकी, ना ही अच्छी गुरु बन सकी। कौन समझाएगा लंकेश को कि उन्होंने जो मार्ग चुना है वहां विनाश के अतिरिक्त कुछ भी नहीं? कोई नहीं समझा सकता देवी, जो सो रहा हो उसे झिंझोड़ कर जगाया जा सकता है, परंतु जो सोने का अभिनय कर रहा हो उसे कौन जगा सकता है? विनाश काल का पहला आक्रमण बुद्धि पर होता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो स्वयं नष्ट होते देर नहीं लगती। क्या इस विनाश को रोकने का कोई उपाय नहीं? नहीं, सत्य पूछो तो न मुझे इसकी चिंता है न दुख। दुख है तो केवल एक बात का। किस बात का? इसका कि तुम्हारी जैसी पवित्र महान पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी को दुख हो रहा है। और मुझे तो किस बात का है कि मेरे पति ने सीता जैसी सती को दुख दिया।